आपको कार्ड लेना है तो बताइए, नहीं तो दो दिन में। अरे आप बोल कहाँ से रहे हैं, कौन सी ब्रांच से बोल रहे हैं आप? सर ज्यादा सवाल ना पूछे, हाँ या ना। अबे चूतिया समझ रखा है क्या भैंचोद? साले तेरे बाप लोग को मैं चूतिया बना दूं, तू मुझे चूतिया बनाएगा लौड़े? गांडू भोसड़ी के, भोसड़ी के नहीं रखना तो काहे बात कर रहा है। सांप और नेवले का लड़ाई है, मजा तो देखने में। सुनो, समझे, अंधा का आग बनेंगे और जामतारा का राख करेंगे। फिर क्या, पापा बड़े हरामी हैं इनके, ले आए पट्टी करा के। नमस्कार, मैं राहुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं साहित्य सिनेमा और समाज। आज के हमारे मेहमान हैं फिल्म और टीवी एक्टर हर्षित गुप्ता। आपने सन 75, जामतारा, वाई चीट इंडिया, फैमिली ऑफ ठाकुरगंज, भाग न जाने कोई और निम्बू लखनऊ वाली जैसी कई बड़ी फिल्मों में आपने अपना अभिनय किया हुआ है। तो हर्षित, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका, और मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। जी जी, तो हर्षित सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो तुम्हारे जामतारा के लिए, बहुत अच्छा काम किया हो तुम लोग, यकीनन माइंड ब्लोइंग बहुत अच्छा काम किया हो। और इससे पहले कि हम और भी आगे बातें करेंगे, हम मैं जानना चाहूंगा कि आपका फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, किस तरह के परिवार में आप बड़े बड़े हो और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा आपका? जी अभी तो मैं क्या बोलते हैं कि बीए में अप्लाई कर रहा हूँ, और बीए फर्स्ट ईयर है मेरा इस बार, और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। और मेरा फैमिली का जो बैकग्राउंड है नॉर्मली है, जब से मेरा पैशन था कि मैं एक्टिंग का बहुत शौक था मुझे, तो मैं एसपीवीपी कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, एसपीवीपी स्कूल में। तो सेवेंथ क्लास में मैंने थिएटर वहाँ ज्वाइन किया था, जो वर्कशॉप होती है जून जुलाई में, तो उसमें मैंने जब वर्कशॉप ज्वाइन की तो वहीं से मेरा पहला कदम था थिएटर की ओर बढ़ने का। तो एक्टिंग स्किल्स इम्प्रूव होती गई, फिर मैं आगे बढ़ता गया, काम करता गया, और धीरे धीरे थिएटर में जब हमें अपॉर्चुनिटी मिली, फिर दूरदर्शन में काम मिला। दूरदर्शन में काम करने के बाद अच्छा लगता गया, इंटरेस्ट बढ़ता गया, और नाटक और थिएटर वगैरह वहीं से ही शुरुआत हुई हमारी। उसके बाद फिर दूरदर्शन में सीरियल्स में मुझे ऑफर मिला, तो मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी है, और मैं बहुत खुश था कि मुझे एक सीरियल मिला है और काम करना। वहां पे वहां अर्षित हम वहां पहुंचेंगे, पर उससे पहले मुझे बताइए कि एक्टिंग में जो एक इंटरेस्ट है वो कैसे, घर में कोई माहौल था या किस तरह आप एक्टिंग की ओर आगे बढ़े, शुरुआत कैसे हुई? जब मैं फिफ्थ क्लास में था तो मेरी सिस्टर थी, वो एट्थ क्लास में थी। तो सबसे पहला जब विकास श्रीवास्तव और सार्थक मिश्रा जी थे, उनकी सोपान संस्था है, उन्होंने अपना प्ले स्टार्ट किया स्कूल में, मतलब बच्चों को लेके, स्कूल के बच्चों के, एक राम हमारे राम करके प्ले स्टार्ट किया। अच्छा। तो मेरा भी बहुत मन था, तो मैं किसी क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहा था किसी कैरेक्टर के लिए, तो उस समय मुझे बहुत मन था कि मैं भी एक्टिंग करूंगा। तब मेरी सर से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था अगले वर्कशॉप में मैं तुम्हें रखूंगा। तो मैंने सोचा था अब कल जब मुझे मिलेगा तो मैं भी ये प्ले करना चाहूंगा। वहीं से मेरा इंटरेस्ट बढ़ा जब मैंने प्ले देखा था, वो राम हमारे राम, जो कि हमसे सीनियर बच्चों ने किया था, जो हमारे सीनियर थे। अच्छा, तो उसके बाद फिर मुंबई कैसे पहुंचे, मुंबई कैसे जाना हुआ? मुंबई तो मतलब जब मैं उस समय बहुत छोटा था, तो मैंने मुंबई बारे में सोचा था कि मैं भी मुंबई जाऊंगा। तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि बेटा अभी और स्किल अपनी इम्प्रूव करो, अभी तुम बहुत छोटे हो, कम से कम अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करो, उस पर भी फोकस करो, पार्ट टाइम थिएटर भी करते रहो। तो मैं उसी के लिए मैं तैयारी कर रहा था, और थिएटर मेरा चालू था, मैं थिएटर वगैरह करते रहता था, और मुंबई तो मुझे जामताड़ा ही नहीं हो गया, जामताड़ा के लिए मैं पहली बार मुंबई आया। अच्छा ऐसा, लेकिन आपने जो फिल्में, इससे पहले की जो फिल्में थी आपकी, ये फैमिली ऑफ ठाकुरगंज, वाई चीट इंडिया, भाग न जाने कोई, ये सब कहाँ किए थे आपने? ये सब मैंने लखनऊ में किए, मैंने वाई चीट इंडिया भी लखनऊ में की, फैमिली ऑफ ठाकुरगंज भी की है, एक फिल्म मैंने और की थी छोटे नवाब, छोटे नवाब भी मैंने लखनऊ में ही की है, और सारी फिल्में मैंने लखनऊ में की है। मैंने
जामताड़ा ही मैंने मुंबई में शूट किया है, जिसका मुंबई नासिक पुणे। अच्छा, पहली दफा आप जब बॉम्बे पहुंचे तो वो जामताड़ा के लिए पहुंचे थे? जामताड़ा के लिए पहुंचा मैं। तो कास्टिंग कैसी हुई? कास्टिंग ये हुई कि मैं परशुराम जी, हमारे परशुराम दादा हैं, और उनके साथ में नुक्कड़ नाटक करता था। तो नुक्कड़ नाटक जब मैं करता था तो उनके साथ कई सारे शेड्यूल में मैंने काम किया। कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे लिए काम नहीं होता था, तो मुझे उनके साथ जुड़े रहना बहुत अच्छा लगता था कि मतलब एक्टिंग से जुड़ा रहूं और सीखता रहूं, और उनको परफॉर्म करता हुआ देख के और सीखने को मिलेगा। तो उन्हीं के साथ करते करते रिपोर्टिंग का भी काम मिला, एक्टिंग का भी काम मिला, तो वो किया। उसके बाद राजवीर सर भी थे हमारे ग्रुप में, उनके एक फ्रेंड है सुकेश सर, और राजवीर सर ने पूछा परशुराम जी से कि मुझे ऐसे ऐसे लड़का चाहिए, मतलब 16-17 साल की एज में और अच्छा एक्टर हो। तो उन्होंने, परशुराम सर ने मुझे सजेस्ट किया कि हर्षित है अपना, वो कर लेगा, अच्छा करता है, और हर्षित से बात करो। तो उन्होंने मुझे बताया। हाँ, उसके बाद हमारी बात हुई। फिर 3-4 दिन ऑडिशन चला, और कास्टिंग प्रो हमारे विकास श्रीवास्तव सर थे और विभूपाल सर थे, उनका कॉल आया और उनसे हमारी बात हुई। फिर उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट वगैरह भेजी, लुक टेस्ट हुआ, ऑडिशन हुए। फिर मुझे कॉल आता है 2-3 दिन के बाद कि मैं कैरेक्टर के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया हूँ, अभी कुछ चीजें और चाहिए उन्हें ऑडिशन में। तो धीरे धीरे ऑडिशन बढ़ता गया और एक दिन मैं सेलेक्ट हो गया। फिर कॉल आता है कि आपको मुंबई आना है और आप सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इससे ज्यादा खुशी का पल मेरे लिए और कोई नहीं था। मेरे घर वाले सब शौक थे, मैं घर गया, हमने कहा मम्मी क्या है ना कि मुंबई जाना है अब। तो मम्मी कह रही है अच्छा, मुंबई कब जा रहे हो? हमने कहा मम्मी एक वेब सीरीज में सिलेक्शन हो गया है और उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया है। तो मम्मी कह रही सच में? पापा भी मेरे कह रहे क्या हो क्या? हमने कहा पापा सिलेक्शन हो गया है, मुंबई जाना है काम करने। कह रहे अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो वही एक मोमेंट था मेरे लिए। तो जब आप जामताड़ा के सेट पर पहुंचे, जब शुरुआत होने वाली थी, तो कितना मुश्किल रहा? क्योंकि एक फिल्म का माहौल या एक टीवी शो का या वेब सीरीज का जो माहौल होता है, एक जो शूटिंग का एक शेड्यूल होता है, वो एक अलग होता है। थिएटर का एक थिएटर की एक अलग दुनिया होती है। तो कितना, दोनों चीजें अलग होती हैं, कितना मुश्किल रहा वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर पाना, या कैसे कैसे किया आपने, अपने रोल में कैसे आपने ढाला किरदार में? मुश्किल तो था मेरे लिए बहुत, लेकिन डायरेक्टर सर के सपोर्ट से और मेरे जो को-एक्टर थे रोहित केपी भाई और जो बाकी सब एक्टर्स थे, सबने मुझे सपोर्ट किया, मेरे कैरेक्टर के बारे में मुझे बताया कि कैसे क्या होता है। तो सबकी बहुत हेल्प मिली मुझे उस जोन में ढलने के लिए। और हम लोग सेट पे जब रहते थे तो मतलब ऐसा नहीं था कि हम लोग स्क्रीन में अपने कैरेक्टर में हैं और ऑफ स्क्रीन अपने अपने में आ जाए, हर्षित हो गए, रोहित केपी, सब अपने अपने रोल में आ जाए। लेकिन ऐसा रहता था कि ऑफ स्क्रीन और इन स्क्रीन सब में हम लोग एक जैसे ही थे, मतलब कैरेक्टर ही में रहते थे, जिससे ये हुआ कि और ज्यादा कैरेक्टर को फील करने में मुझे और आसानी हुई। मतलब सब ने मुझे बहुत हेल्प की, डायरेक्टर सर ने मुझे बहुत हेल्प की, क्योंकि मैं नया था, मेरे पास उतना वक्त भी नहीं मिला मुझे कि मैं उस कैरेक्टर को और अच्छे से तैयारी कर सकूं। लेकिन डायरेक्टर सर ने पर्सनली मीटिंग की, कई बार मुझे समझाया, और एडी सर थे, राहुल सर थे, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी इस कैरेक्टर में ढलने के लिए। क्योंकि कई सारी चैलेंजिंग चीजें आपने देखी होंगे जामताड़ा में जो मैंने की है, जो कि मैंने कभी अपने रियल लाइफ में नहीं किया। तो वो मेरे लिए करना मतलब मैं काफी हेजिटेट हो गया था कि मैं कैसे इसको करूंगा, लेकिन उस कैरेक्टर में ढलने के लिए टाइम लगा, लेकिन वो चीज आई। एक सीन जो है जहाँ बैठे होते हो, वो खेत के ऊपर जो वो लगा के ना, जहाँ पे बियर पीते हो आप और रोहित बैठ के, जब वो तो वहां पर जब मैंने एक चीज नोटिस की, जब आप पूरी कॉल को डिस्कनेक्ट करने का हंसते हो, वो जो झटका मार के हंसना, वो ना एक ठाका मार के हंसना, वो कैसे वो बड़ा अच्छा वो था, वो कैसे, वो इनपुट कैसे दिया बेसिकली, वो आपका अपना एक वो था, इम्प्लीमेंट था, या फिर ये कहा था आपसे? उस सीन को हम लोगों ने क्रिएट किया था। वो जो सीन था, मतलब कि उसमें ये होता है कि सनी जो होता है, उस सनी जो होता है वो लड़की की आवाज बहुत अच्छी निकालता है। मतलब कि जब वो कॉल करता है तो सामने वाला जान नहीं पाता है कि ये लड़का बोल रहा है, वो समझता है कि ये भैया लड़की बोल रही है और
वाकई में मेरे लिए कुछ खास है, तो ऐसा ऐसा है, वो फ्रॉड में फंस जाता है कस्टमर उनका जो होता है जिसको वो कॉल करते हैं। अब हम और मुन्ना जो हमारे केपी भाई, उनसे मैं बात कर रहे हैं, बोल रहा हूँ कि वो बहुत अच्छी आवाज निकलता है, तो कहता वो ऐसा ऐसा है, तो कहते चलो हम लोग भी ट्राई करते हैं, हम लोग क्या कम है क्या किसी से, हम लोग भी बढ़िया निकालेंगे आवाज, हम लोग भी फ्रॉड करेंगे। तो मैंने कहता अच्छा ट्राई मारो, तुम भी निकाल लोगे। तो हम कहते चलो देखते हैं तुम कितने शेर हो, तुम भी निकाल पाते हो कि नहीं। तो वो करता है कॉल, तो दिल्ली कॉल लगती है, तो वो बताता है सर मैं SIB बैंक से बोल रही हूँ, आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर होने वाला है ये वो। तो कहता है कि अच्छा, और कह रहा है कि अच्छा कैसे, तो कह रहा है कि मुझे यहाँ सिस्टम में जो हो रहा है आपका क्रेडिट एक्सपायर होने वाला, कह रहा मुझे चूतिया ना बनाओ। होता ये है कि वो खास देता है, वो स्मोकिंग कर रहा होता है, वो खास देता है, और जिससे आवाज डगमगा जाती है, वो पकड़ लेता है उसको, ये कोई लड़का है, ये फ्रॉड कर रहा है। फिर तुरंत मैं फोन पकड़ लेता हूँ, तो मैं उसको समझाता हूँ सर ऐसी सी बात है। जब वो मुझे समझाने लगता है तो मेरी कॉल कट होती है। अब बात यह है कि अब हमारा रिएक्शन ये कि आप पकड़े गए अब क्या करें। फिर हंसी आती है कि यार ये तो कर ही नहीं पाए यार, उन लोग करना चाहते तो कर ही नहीं पाए। तो वो सीन हम लोग ने डायरेक्टर सर से बात की थी, डायरेक्टर सर हम लोग पकड़े गए। अब हम लोग मतलब गिल्टी, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग की तो बेइज्जती हो गई, अब क्या करें। अब हंसी आ रही है अपने कर्म पे, हंसी आ रही है, हो गया तो हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ट्राई करते हैं आगे, तो बड़ा बड़ा मजेदार। अपना गए खेत में गए अपना मगन होकर डांस करना शुरू कर दिया, छोड़ो हटाओ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अपना हम लोग मगन होकर बढ़िया डांस करने पे लग गए। हर्षद एक बात आप हमें बताइए कि जैसे जब आपने थिएटर किया, तो थिएटर के दौरान कभी ये मौका मिला कि जो रियलिटी शोज होते हैं या कभी कोई ऐसा इवेंट या शो जिसमें आपने कभी पार्टिसिपेट किया हो, कभी कोई हिस्सेदारी की हो? हाँ, मुझे एक बार मौका मिला था 2013 में, जब इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज ZTV में उसका ऑडिशन था, तो लखनऊ में ऑडिशन था, तो मुझे हमारे थिएटर, मैंने एक प्ले किया था सुखिया मर गया भूख से, तो उसके जो संस्था के जो डायरेक्टर थे महेश चंद देवा जी, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, तो मैंने इसका ऑडिशन दिया था लखनऊ में, तो 23 बच्चे लखनऊ में सेलेक्ट हुए थे, तो उसमें मैं सेलेक्ट हुआ था। तो उसके बाद दिल्ली गया था मैं ऑडिशन देने इसका। अच्छा। वहां पे 3 राउंड मेरे और ऑडिशन हुए थे, कुल मिला के मैंने लखनऊ में 2 राउंड और दिल्ली में 3 राउंड ऑडिशन दिए थे। फिर नेक्स्ट डे रात में पता चला कि मैं ऑडिशन में सेलेक्ट हो गया हूँ ड्रामेबाज में, और जो मेरा कोड था वो अनाउंस किया गया था, और उसके बाद फिर मेगा ऑडिशन होने वाला था, दिल्ली का मेगा ऑडिशन, मुंबई का नहीं दिल्ली का। तो उसमें मैंने जब ऑडिशन दिया था तो उसमें मैं एलिमिनेट हो गया था, मतलब मेरे पिताजी ने कहा कि मैं काफी रोने लगा, मैं छोटा था कि पापा नहीं हो पाया, पापा ने कहा तुम यहाँ तक आए हो, मुझे बड़ा गर्व लगा है, गर्व प्राउड फील हो रहा है कि तुम वहां तक पहुंचे हो, ये बाकी में बड़ी बात थी। आप जानते होंगे उनको, रिया शुक्ला जी को, मतलब नील भट्टे सन्नाटा फिल्म में एक लड़की है, नाटी की लंबी लव स्टोरी, वो भी लखनऊ की है, तो हम दोनों साथ में ड्रामेबाज का ऑडिशन देने गए। अरे बहुत अच्छा, अच्छा अच्छा। हाँ, तो साथ थे, साथ साथ ऑडिशन दिया, और वो हमसे पहले थोड़ी एलिमिनेट हो गई थी, तो मुझे बहुत दुख लगा कि मतलब एक दूसरे का सपोर्ट करके आगे बढ़ते थे, और उसके बाद मेरा एलिमिनेशन हुआ था। तो वो मेरा एक सफर था ड्रामेबाज का, तो जजेस तक मैं पहुंचा, वो मेरे लिए मतलब एक सीख थी, और जो भी गलतियां थी उसको मैंने सुधारी कि मतलब एक्टिंग और हमको आगे अच्छे से करनी है, जो कैरेक्टर किया था। और लेकिन फिर भी आपने बहुत छोटी उम्र में, आप जहाँ पे आपने इतना अच्छा काम किया है जामतारा में, वो न भुलाने वाला है, और आगे लोग हमेशा से याद रखेंगे। थैंक यू सो मच।